तो ये आपकी CISF का नोटिस है और इसमें कितनी वैकेंसी दी गई है आप देख सकते हैं। आपका फॉर्म ऑनलाइन डेट भी दे रखी है और कब तक आपके फॉर्म पड़ेंगे, पर आपको लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है। अच्छी वैकेंसी है, अगर आप भी हेड कांस्टेबल बनना चाहते हैं तो आप बिल्कुल इस फॉर्म को भर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपका जो है जनरल ड्यूटी में जो है हेड कांस्टेबल की वैकेंसी निकली है ये तो। और ये जो है आपकी स्पॉट कोटे की है दोस्तों। कौन सी है? स्पॉट कोटा 2023 इज द सेंट्रल। तो आप देख सकते हैं डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन 30/10/2023 से 28/11/2023 तक आपका फॉर्म भरा जाना है और क्लोजिंग डेट भी 28 तारीख ही रहने वाली है, रात को 11 बजे तक, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात कर लें, इनवाइट द एलिजिबल मेल और फीमेल इंडियन सिटीजन फॉर द फिलअप 215 वैकेंसी हेड कॉन्स्टेबल जनरल ड्यूटी अगेंस्ट स्पॉट कोटा, देख रहे हैं। इसके बाद में अगर हम इसकी बात करें, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स इन द पे लेवल 4 RS 25,500 से 81,100 यहाँ पर आपका लेवल 4 की जॉब है और यहाँ पर आपका वेतन इतना रहने वाला है। इसके बाद में देखो प्लस यूजुअल अलाउंस एंड द एडमिनिसेबल टू द सेंट्रल, मतलब जो वहाँ पे HRA TA जो भी मिलता है सब कुछ यहाँ पर आपको मिलने वाला है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों इसका क्या रहता है जो है सिलेक्शन प्रोसेस पे अगर हम बात कर लें दोस्तों। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस में इन्होंने देखिए फर्स्ट स्टेज में क्या होने वाला है, आपका ट्रायल टेस्ट होगा, ठीक है, प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, इसके बाद में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, PST होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। सेकंड स्टेज में क्या होने वाला दोस्तों, मेडिकल होने वाला है। क्या होने वाला है आपका? मेडिकल। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो है ये एकदम आप लोगों का है ट्रायल टेस्ट होगा, ट्रायल टेस्ट समझ रहे हैं, आपका खेल का ट्रायल टेस्ट होगा। इसके बाद में दोस्तों वेरिफिकेशन ऑफ द रिक्वायर्ड एलिजिबल क्राइटेरिया डॉक्यूमेंट इंक्लूड, तो ये आपका स्पोर्ट कोटे का देखिए स्पोर्ट सर्टिफिकेट विद द ओरिजिन, मतलब इसमें अब ये देखना होगा कहाँ का ये लेंगे। वैकेंसी ऑफ द हेड कॉन्स्टेबल जनरल ड्यूटी, तो इसमें आप लेंगे आगे तो यहाँ पर देखेंगे ऑनलाइन मोड में आपके फॉर्म में अप्लाई होंगे। इसके बाद में देखिए क्या आपका रहने वाला है यहाँ पर PET PST का क्राइटेरिया, तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों द डिसिप्लिन वाइज डिटेल ऑफ वैकेंसी RS अंडर, तो यहाँ पर देखिए एथलेटिक्स के लिए अलग है, एथलेटिक्स में क्या क्या है, 100 मीटर, 200 मीटर, 800 मीटर, 1500 मीटर, 5000 मीटर, 11,000, 10,000 मीटर, 110 मीटर। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है इनमें दे रखा है मेन वैकेंसी इवेंट, और मतलब किस उसमें जो है कितनी वैकेंसी है यहाँ पर दे रखी है, और वुमेन में फिर यहाँ पर दे रखी है इधर जो है। इसके बाद में अगर हम बात करें ट्रिपल जंप हो गया, लॉन्ग जंप हो गया, जेवलिन थ्रो हो गया, हम अब इसमें देखिए डिस्ट्रिक्ट लेवल का मांगेंगे या क्या ये भी अभी देखेंगे, नोटिफिकेशन में क्लियर दे रखा होगा। यहाँ पर आपका देखिए बॉक्सिंग में जो है आपका वेट वगैरह भी दे रखा है, किस वेट में कितनी वैकेंसी है, ठीक है। इसके बाद में बास्केटबॉल, फुटबॉल, जिमनास्टिक, हैंडबॉल, हॉकी, शूटिंग, स्विमिंग, वॉलीबॉल, वेंथ लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग, ये सभी है। इसके बाद में देखिए वैकेंसी की डिटेल दे रखी है। इसके बाद चलें बॉडी बिल्डिंग का भी है, देखिए दोस्तों 147 बॉडी बिल्डिंग में है, बॉडी बिल्डिंग में तो अच्छी खासी वैकेंसी है दोस्तों। अच्छा यहाँ पर जो है इसके बाद में दोस्तों देखते हैं, अच्छा टोटल 147 है और मेल फीमेल की जो है 68 वैकेंसी है। अच्छा ठीक। इसके बाद देखते हैं दोस्तों इसमें जो है आपका क्या क्राइटेरिया ये ले रहे हैं और बाकी पर भी चीज़ देख। एज में दोस्तों यहाँ पर छूट मिलती नहीं दिखाई दे रही है, यहाँ पर 18 से 23 आपकी एज जो है दोस्तों ली जा रही है। देखिए 18 से 23 1/8/2023 आपकी आयु की गणना की जा रही है, मतलब जो है 2/8/2000 से पहले का ना हो जन्म और आपका 1/8/2005 के बाद का ना हो। अब इसके बाद में देखिए छूट भी यहाँ पर मिल रही है, SC ST को मिल रही है 5 ईयर की और अदर बैकवर्ड OBC को 3 ईयर की, और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हु मतलब यहाँ पर डिपार्टमेंटल लोगों को भी यहाँ पर जो है एग्ज़ाम देने का मौका मिल रहा है, 3 ईयर द कंटिन्यू सर्विस अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर जो है आपको डिपार्टमेंटल भी आप जो है एग्ज़ाम को इसको दे सकते हैं, जो लोग CISF में नो जॉब कर रहे हैं वो भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, बस आप जो है कोटे से होने चाहिए खेल वाले।
इसके बाद में स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन तो इन्होंने देखी क्या क्या ले रखी है, शुड हैव द रिस्पेक्ट द कंट्री एज द मेंबर ऑफ द सीनियर जूनियर इंटरनेशनल टर्मिनेट। अच्छा नेशनल लेवल का चैम्पियनशिप, अच्छा गोला मेडल गोल्ड मेडल नेशनल स्कूल गेम्स चैम्पियनशिप, अच्छा टीम इवेंट हो गई। इसके बाद में दोस्तों फिर और चीज़ देखते हैं, इसमें काफ़ी अच्छा नोटिफिकेशन भाई इन्होंने छापा है, हाइट 167 हाइट में यहाँ पर देखिए छूट मिलती दिखाई दे रही है दोस्तों मेल के लिए, 167 सेंटीमीटर हाइट यहाँ पर ली जा रही है, जिसमें जो है दोस्तों एससी हो गया अनरिजर्व हो गया एससी डब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 167 और चेस्ट की बात करें तो यहाँ पर 81 से 86 चेस्ट जो है ली जा रही है, और अगर हम फीमेल की बात करें तो 153 सेंटीमीटर हाइट यहाँ पर फीमेल को भी छूट दी जा रही है, 157 से घटाकर 153 सेंटीमीटर हाइट यहाँ पर ली जा रही है। और यहाँ पर हम अगर बात कर लें रिलैक्सेशन की तो यहाँ पर देखिए अगर आप बात कर रहे हैं रिलैक्सेशन की, जैसे क्या कुमाऊनी डोगरा मद्रासी गोरखा एंड द मतलब इनमें जो है 160 और 153 फीमेल की और मेल की 81 से 86 सीना सेम ही रहेगा। इसके बाद में दोस्तों जो मेन मेन पॉइंट है उन पर बात कर रहे हैं तो दोस्तों इन्होंने देखिए फ़ोटो के बारे में बताया, इस प्रकार का आपका फ़ोटो होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं है तो रिजेक्ट कर देंगे लोग फॉर्म को, टोपी में ना हो, देखिए 25/10/2023 मतलब इस प्रकार से उस पर डेट पड़ी हो और साफ़ सुथरा फ़ोटो हो एकदम, अगर इस प्रकार देखिए टोपी लगी है और ये इस प्रकार का अगर है तो यहाँ पर आपको फेल माना जाएगा, कैप लगा है चश्मा लगा है ऐसे इधर उधर घूमते पीछे का पोर्शन बढ़िया नहीं है तब भी आपको फ़ोटो को अमान्य कर दिया जाएगा, तो फ़ोटो अच्छा से रख लेना है दोस्तों। अगर आप स्पोर्ट कोटे में ध्यान है आपका और आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में, जय हिंद जय भारत।